एनिमल्स के अदर ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो हो सकते हैं, उनकी जितनी भी स्पीसीज हैं उनका जो हम कमांडली अगर उनको बोलें किसी प्लेस की वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है, या फिर होल अगर आपका प्लेनेट की बात करें तो वो उसकी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी हमने डिस्कस कर लिया था। अब क्या होता है, अब हमारा टर्म आता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे हो सकता है? तो आपको मैं बताती हूँ। आपने डायनासोर के बारे में तो सुना होगा और सारे सीरियल भी देखे होंगे उससे रिलेटेड, है ना, डायनासोर क्या होता है, वो इतना बड़ा साइंस सॉन्ग भी आता है, जब मैं छोटी थी तो आता था उस पर। तो डायनासोर क्या आपने देखा है? कभी नहीं, सिर्फ हमने क्या देखा है उसको पिक्चर्स में देखा है। अगर वो एग्जिस्ट करता था अर्थ पे तो आज क्यों नहीं है? रीजन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर नॉट प्रेजेंट आज के टाइम में, नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है उसके डिफरेंट कॉजेज हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो बैडली इफेक्टेड करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, जो अर्थ की बायोडाइवर्सिटी है उसको। ठीक है, तो हमारा बात करें अगर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, तो क्या होता है कि हमारा जो अगर हम लास्ट कुछ सेंचुरीज की बात करें, ज़्यादा नहीं हम 2 सेंचुरीज में जाते हैं, तो मैनी स्पीसीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट लास्ट 2 सेंचुरीज एंड मैनी अदर फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। बहुत सारी स्पीसीज जो आज के टाइम में भी क्या कर रही हैं, एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त, विलुप्त का मतलब जो गायब हो रही है धीरे धीरे, पहले थी अब नहीं है, अब जो इस समय प्रेजेंट है वो भी थ्रेट फेस कर रहे हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में वो भी ना रहे, अगर हम उनको उनका जो उनको ट्रीट करने का तरीका है गवर्नमेंट का, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का, वो सही तरीके से नहीं रहता है। तो हमारा जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं उसमें हमारा मैंने बताया कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी टर्म क्या इंडिकेट करती है, क्या डिनोट करती है, कि जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स हैं उनका विलुप्त होना, उनका एक्सटिंक्ट होना, उसको शो करता है हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो फर्स्ट थिंग इसमें आती है कि जो मेन कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। वी नो दैट फॉरेस्ट इज द होम ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। सो इफ द फॉरेस्ट आर डिस्ट्रक्ट, अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं तो क्या होगा, होम्स ऑफ मैनी या हैबिटेट ऑफ जो नेचुरल हैबिटेट है मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स का, वो भी क्या होगा, उनकी जो स्पीसीज हैं वो थ्रेट में आ जाएंगी और स्लोली स्लोली क्या करेंगे, वो एक्सटिंक्ट होते जाएंगे। तो फर्स्ट जो कॉज है हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं, इसको एक सिंगल टर्म पर बोल सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट मीन्स डिफॉरेस्टेशन, द कंटिन्यूअल डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट हैबिटेट ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन रिलेटेड कॉज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। जो कंटिन्यूअल डिग्रेडेशन हो रहा है फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट कंटिन्यूअसली क्या किए जा रहे हैं, कट किए जा रहे हैं, उनको फैल डाउन किया जा रहा है ड्यू टू नेचुरल, या तो फैल डाउन किया जा रहा है ना, तो ह्यूमन रिलेटेड कॉज हो जाएगा, या फिर नेचुरली कुछ ऐसा एक सीन क्रिएट होता है जिसमें जो फॉरेस्ट हैं वो खुद से भी क्या हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। तो द कंटिन्यूअस डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन रिलेटेड कॉज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। एंड कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज जो कंटिन्यूअल या नेचुरल डिग्रेडेशन हो रहा है फॉरेस्ट का, तो उसकी कॉजेज हो जाती है हमारी नंबर वन रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। अब अभी आप देखो कि रैपिड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन वर्ड जो होता है हमारा यूज होता है जितनी तेजी से अर्बन एरियाज फॉर्म किए जा रहे हैं उसके लिए हम बोल सकते हैं। तो रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। अच्छा, इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन कैसे अफेक्ट कर रहा है, कैसे मेन फैक्टर बन रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट का, तो बहुत ही सिंपल है। हम जानते हैं कि जितना ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होगा उसको रहने के लिए, है ना, उसको रहने के लिए उतने ज़्यादा क्या होंगे, जो उनके हैबिटेट बोल सकते हैं, उनके घरों की आवश्यकता होगी, नीड होगी, उनको पढ़ने के लिए स्कूल की नीड होगी, उनको निकलने के लिए रोड, जाने के लिए ट्रैवल करने के लिए रोड की नीड होगी, उनको फूड की नीड होगी। और फूड हमारा खास रहता है, मोस्टली जो हमारा फूड आता है दैट इज फ्रॉम हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड है वहाँ
बहुत सारी कंपनीज वो बनाई जाती हैं. एंड इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, इसकी वजह से जो फूड की नीड है और जो डिफरेंट टाइप की नीड है वो इंक्रीज होती है ह्यूमन पॉपुलेशन में इंक्रीज के साथ. एंड फॉर दैट जो फॉरेस्ट लैंड है जो फॉरेस्ट लैंड है वो कन्वर्टेड कर दी जाती है एग्रीकल्चरल लैंड में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, जो हमारा क्रॉप है उसको ग्रो किया जा सके. ओके, तो फर्स्ट इज मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन हमारा रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, एंड द अदर वन इज रिक्वायरमेंट ऑफ वुड. हम सबको पता है कि हम अगर बात करें वुड की रिक्वायरमेंट की, तो शायद ही किसी का घर, किसी का स्कूल, किसी की कोई भी बिल्डिंग या जो भी डेली नीड की हम बात करें, तो कोई भी प्लेस आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ वुड का यूज ना हो. मोस्ट ऑफ द प्लेसेस अब तक की बात करें अगर, तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो होते हैं हमारे, क्या होता है, उनमें किसी ना किसी वे में वुड का यूज किया जाता है. लाइक अगर हम बात करें घरों में भी, तो एज अ फ्यूल है ना वुड का यूज किया जाता है. अगर हम बात करें हमारा जो विंडो होता है, विंडो और हमारा जो डोर होता है, तो उसके जो टेबल है, चेयर है, बेड है, सोफा है, मतलब लॉट ऑफ फर्नीचर. फर्नीचर की बात करें तो सारा फर्नीचर मोस्टली किसका बना हुआ होता है, वुड का बना हुआ होता है. और वुड कहाँ से आएगी, फैलिंग आफ्टर फैलिंग फॉरेस्ट, वो हमें मिलती है वहाँ से. उसके अलावा आप खुद अपने अपने आप सोच सकते हो कि आपके माइंड में इस समय बहुत सारी चीज़ें घूम रही होंगी जो आपने देखी होंगी किसकी, वुड की बनी हुई है ना. जैसे कि हमारा क्लस्टर जो हम यूज़ करते हैं उसका क्या होता है, वो वुडन होता है. ठीक, हमारा जो ब्लैक बोर्ड होता है उसमें यूज़ किया जाता है वुड का. उसके अलावा हमारा टेबल चेयर मैंने बोल ही दिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो वुड के यूज से ही बन पाती हैं. तो उनके लिए भी क्या होता है, फॉरेस्ट को फैल डाउन किया जाता है. एंड द लास्ट वन इज ओवर ब्रीदिंग बाई कैटल्स. कैटल्स जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रेज करते हैं किसी भी पैच ऑफ लैंड पर, है ना. और अगर वो बार बार उसी लैंड पर जाते हैं तो क्या करते हैं, उनको ओवर ब्रीदिंग हो जाती है. और ओवर ब्रीदिंग की वजह से वो पैच ऑफ लैंड क्या हो जाता है, बैरन कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो बैरन में कन्वर्ट होने की वजह से वो क्या होता है, फर्टाइल नहीं रहता. दूसरी चीज, वो तो आपका टॉपिक चेंज हो रहा है. दूसरी चीज, जब ओवर ब्रीदिंग होगी कैटल्स के थ्रू, तो क्या होगा, वो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, डिफरेंट टाइप की जो ग्रास को खा रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से डिफॉरेस्टेशन का कारण बनता है. तो ये तो हमारा था फर्स्ट टॉपिक, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट का. एंड ये कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन हमारे हो जाते हैं. डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट की बात करें तो उसमें कि मेन कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या है, एंड एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन. अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाता है तो हमारी जो खुद का सर्वाइवल है, हमारी जो लाइफ है, डिफरेंट टाइप के जो एनिमल है उनकी लाइफ है, उस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हमारा एडवर्स इफेक्ट इफेक्ट्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन में क्लियर हो जाता है. ठीक है, फर्स्ट है डेजर्टिफिकेशन. मैं अभी जो डिस्कस कर रही थी, मैंने कहा था कि टॉपिक चेंज हो रहा है. तो क्या है डेजर्टिफिकेशन, हमको पता है जो प्लांट्स होते हैं फॉरेस्ट होते हैं उनमें जो जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, उनकी रूट जो होती है वो सॉइल पार्टिकल्स को क्या करे रहती है, आपस में बाइंड करती है ना, उनको एक तरीके से बाइंड करती है सॉइल पार्टिकल्स को, और जिसकी वजह से वो इरोड नहीं हो पाते. लेकिन अगर ट्रीज फैल डाउन होते हैं, कटिंग होती है उनकी, तो क्या होता है, जो हमारा सॉइल पार्टिकल्स होते हैं जो टाइटली बाइंडेड होते हैं एक दूसरे से, वो लूज हो जाते हैं. लूज हो जाते हैं और इतना लूज हो जाते हैं कि जो आपका मूविंग वाटर है या फिर विंड है उसके थ्रू वो इरोड हो सकते हैं, एक प्लेस से दूसरी तरफ उड़कर जा सकते हैं. एंड उड़कर या बहकर, मतलब बाय द मूविंग वाटर और आपका बाकी की विंड की उसके थ्रू. एंड उसके बाद होता क्या है कि जो टॉप सॉइल होती है विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस, जितने भी आपके इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं मोस्टली टॉप सॉइल में पाए जाते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए. तो दिस जो टॉप सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, इरोडेड हो जाती है मूविंग वाटर और विंड से. एंड जो हमारा सॉइल है वो क्या हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है. फर्टिलिटी कम होने की वजह से वो सॉइल कन्वर्ट हो जाती है डेजर्ट में. जो आपकी फर्टाइल सॉइल होती है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है. एंड दिस टॉपिक एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डेजर्टिफिकेशन. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं. कि फर्टाइल सॉइल का किसमें कन्वर्ट होना, बैरन सॉइल में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन. नेक्स्ट वन, दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट वन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज.
डिफॉरेस्टेशन है उसकी वजह से. यू ऑल नो दैट जो फॉरेस्ट की रूट होती है वो क्या करते हैं, वाटर को ड्रॉ करती है सॉइल से, उसको एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब तो नहीं बोलेंगे, ड्रॉ करती है सॉइल के अंदर से वाटर को और पूरे प्लांट को उसको प्रोवाइड कराती है ना. तो हमें पता है उसको क्या बोलते हैं, जाइलम होते हैं. जाइलम जो होता है प्लांट का वो पार्ट होता है जो वाटर को ड्रॉ करके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचाने के लिए हेल्प करता है. तो जो हमारा जो बोल सकते हैं कि प्लांट्स की रूट्स जो वाटर को ड्रॉ कर रही हैं है ना, और उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचा रही है, और आफ्टर जब प्लांट्स के अंदर लीव्स तक पहुंचता है तो उसके बाद जो एक प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन, उसमें वाटर जो है जो प्लांट के पास है वाटर वेपर बन गई, जितना यूजेबल वाटर था उसने यूज कर लिया, उसके बाद वाटर वेपर की फॉर्म में वो वाटर लीव्स के थ्रू क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, एस्केप कर दिया जाता है उसको एटमॉस्फेयर में, और वो वाटर वेपर हेल्प करती है रेनफॉल में, क्लाउड फॉर्मेशन में. और ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है आपका ट्रांसपिरेशन. लीव्स के स्टोमेटा से, स्टोमेटा जो होते हैं उनसे प्लांट्स वाटर का रिलीज होना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर क्या कहलाता है आपका ट्रांसपिरेशन कहलाता है. और ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से जो प्लांट्स हैं वो हेल्प करते हैं क्लाउड फॉर्मेशन में और रेनफॉल में डायरेक्टली या डायरेक्टली. तो अगर प्लांट नहीं होंगे, अगर ट्रीज नहीं होंगे तो वो वाटर को ड्रॉ नहीं करेंगे, वेपराइज नहीं करेंगे, वेपर की फॉर्म में लीव से वाटर जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं तो वो क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो एक मेन कॉज हो जाता है टू रिड्यूस रेनफॉल. क्लियर. नेक्स्ट हमारा आता है डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. हमको पता है कि जो प्लांट होते हैं ट्रीज वो क्या करते हैं, जो उनका प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं ना, है ना. तो ट्रीज टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड गिव आउट ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये तो इस तरीके से प्लांट हेल्प करते हैं एटमॉस्फेयर में. इन ये जो टू इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं उनको क्या करने में, उनका बैलेंस बनाए रखने में. ओके, बट इफ ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट on our globe, on our planet, then what will happen? जो balance बना हुआ है oxygen and carbon dioxide का वो क्या हो जाएगा, disturb हो जाएगा, because वो ना तो oxygen को release कर पाएंगे. और एक और चीज़ कि oxygen को form करने का, oxygen के हम बोल सकते हैं तरीके से factory बोल सकते हैं, किसको बोला जाता है, plants को बोला जाता है, क्योंकि single plants ही present जितने भी exist करते हैं, प्लांट एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म जो भी जितने भी स्पीसीज अर्थ पर एग्जिस्ट करती है उनमें सिंगल स्पीसीज क्या होती है, प्लांट्स होते हैं. सिंगल जो एक बोल सकते हैं ग्रुप होता है प्लांट्स का बोल सकते हैं या क्लास बोल सकते हैं जो ऑक्सीजन को फॉर्म करता है नेचुरली. ठीक है, तो वो जो डिस्टर्ब है बैलेंस बैलेंस का कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है. ठीक है, तो ये एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन हमारे हो जाते हैं कि डिफॉरेस्टेशन अगर होता है तो हमारी जो लाइफ है उस पर क्या क्या, एक तो डिजर्टिफिकेशन जो फर्टाइल सॉइल है बैरन सॉइल में डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज विच आर बोल सकते हैं जिनका नेचुरल हैबिटेट क्या होता है, फॉरेस्ट होता है, एंड रिड्यूस रेनफॉल बिकॉज नो ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस इफ द प्लांट्स आर नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ एंड डिस्टर्ब इन द बैलेंस ऑफ CO2 and O2 oxygen. And इसके अलावा जो plants हमारा deforestation है, एक और point आपका आता है मुझे याद आ रहा है कि अगर ये नहीं होंगे तो ये क्या करते हैं, जो rainfall की form में water ground पर fall होता है in the form of rainfall, उसको plant की जो root होती है जो soil particles को bind करे रखती है, वो soil उस water को absorb करती है, है ना, absorb करती है, जिससे जो excess water है वो ground पर इकट्ठा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फ्लड जैसी कंडीशन आने से रुक जाती है. लेकिन अगर प्लांट नहीं होंगे, उनके रूट्स नहीं होंगे, तो वो वाटर को उतना ज़्यादा एब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से जो एक्सेस वाटर है वो ग्राउंड पर इन द फॉर्म ऑफ फ्लड क्या होगा, एक थ्रिक्ट हम सबकी लाइफ को देगा. तो ये तो हमारा हो जाता है लॉस ऑफ हैबिटेट बायोडाइवर्सिटी में हमारा फर्स्ट पॉइंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. क्लियर हो जाता है, कि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है. अब आता है पॉल्यूशन. पॉल्यूशन क्या होता है, जो बायोडाइवर्सिटी है हमारा उसको
डिफरेंट एक जो पॉल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में होते जा रहे हैं वो क्या करें किसी भी एक लिमिट तक हम सबको अफेक्टेड कर रहे हैं। लॉस ऑफ डिसीजेस क्या हो रही है वो हम सब में पाई जा रही है, चाहे वो एनिमल हो, लाइक अगर वाटर पॉल्यूशन होता है, अगर जो वाटर बॉडीज हैं वो पॉल्यूटेड होती हैं तो एक्वेटिक लाइफ को बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता है। एक्वेटिक लाइफ में आपके क्या आते हैं, फिशेज, फिश है एंड जितने भी हैं जो वाटर बॉडीज में एनिमल्स पाए जाते हैं जो उनमें रहते हैं, चाहे वो एनिमल हो प्लांट हो, उनको एक फ्री उनकी रिप्रोडक्टिव जो एक तो बोल सकते हैं नेचर होता है उसको अफेक्टेड करता है, उनकी लाइफ को भी डायरेक्टली अफेक्टेड करता है, उनकी डेथ भी हो सकती है। तो पॉल्यूशन तो वो क्या होता है, फ्री बनता जा रहा है। हम बात करें हमारे एनवायरमेंट की, हमारे एटमॉस्फेयर की, उनमें अगर गैस का इंबैलेंस हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, हम सबको न्यू न्यू मतलब डिफरेंट टाइप की डिजीज लाइक अस्थमा एंड लंग कैंसर एंड अगर वाटर पॉल्यूटेड वाटर का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस को कोई ठीक नहीं ठीक है। पॉल्यूशन भी क्या है, जब हमको अफेक्टेड कर रहा है तो वो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को भी अफेक्टेड कर रहा है और उनके लिए थ्रेट पोज कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रोथ ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज। ठीक है, ग्रोथ ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे आ जाते हैं लाइक कोई भी स्पीसीज है जो किसी भी प्लेस पर है ना, जो नेचुरली उस प्लेस पर है कुछ स्पीसीज और वहाँ से कुछ और न्यू टाइप की स्पीसीज जो है अगर वो न्यू रीजन में ग्रो करती हैं तो वो बहुत रैपिडली, क्योंकि उनको एक नया एनवायरनमेंट मिलता है तो वो रैपिडली क्या होती है, इंक्रीज होती है इन नंबर्स, मल्टीप्लाई करती हैं और ग्रो करती हैं। अगर न्यू स्पीसीज आकर किसी न्यू प्लेस पर ग्रो करती हैं तो वो वहाँ पर पहले से एग्जिस्ट करने वाली स्पीसीज के लिए क्या हो जाता है, ठीक बोल सकते हैं बन जाता है, क्योंकि वो उनकी ग्रोथ को हाइजर बोल सकते हैं, उनकी जो ग्रोथ है उसको रोकती है ना, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ग्रोथ ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज में हमारा आता है वे दो टाइप ऑफ स्पीसीज विच आर ग्रो इन न्यू एरिया, किसी नए एरिया में जाकर ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बहुत तेजी से, वहाँ की वो अपना एक मतलब बना देते हैं वहाँ पर, और जो पहले से एग्जिस्टिंग स्पीसीज है उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। तो ये भी क्या है, एक थ्रीट है, एक लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का एक रीज़न है। और इसके एक एग्जाम्पल है वाटर हाइसेंस जिसको बोलते हैं, है ना, वाटर सर्फेस पर वो पूरी लेयर बना लेता है और एक्वेटिक लाइफ जो है उनको उनके लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि ये जो आने वाली सनलाइट है, सबसे मिलने वाली सनलाइट एंड ऑक्सीजन जो भी वाटर में जा रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेता है, यूज़ कर लेता है। नेक्स्ट हमारा आता है हंटिंग ऑफ एनिमल। हंटिंग ऑफ एनिमल इज ऑल्सो अ वेरी बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसका हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हंटिंग ऑफ एनिमल ड्यू टू इलीगल हंटिंग बोल सकते हैं एक्चुअली। हंटिंग ऑफ एनिमल क्या होता है कि ये एनिमल्स की बहुत सारी स्पीसीज को के एक्सटिंक्शन का रीज़न भी है हंटिंग ऑफ एनिमल। इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स जो होता है उसको हम कोचिंग भी बोलते हैं, और जो कोचर्स होते हैं, हंटर्स होते हैं, वो एनिमल को हंट करते हैं फॉर देयर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर देयर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, बात करें ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो है नीड क्यों होती है, तो आपको बताओ कि दीज बॉडी पार्ट्स आर यूज टू मेक ट्रेडिशनल मेडिसिन, ट्रेडिशनल
डियर एंड आपका कैटल, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हंट किए जाते हैं इनलीगली और उनकी बॉडी पार्ट्स से यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंसेस है उनको बनाने। लास्ट वन हमारा आता है लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी में नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर इज द ऑल्सो अ मेन फैक्टर, की फैक्टर भी बोल सकते हैं किसका, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी का। वाई बिकॉज लाइक सुनामी, लाइक फ्लड, लाइक ड्राउट, है ना। तो इस टाइप के जब नेचुरल डिजास्टर आते हैं तो बहुत सारे, अगर सुनामी की बात करें तो वैसे ही अपनी लाइफ को क्या कर सकते हैं, खो देते हैं, लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है बहुत सारे एनिमल्स की, बहुत सारे प्लांट्स की, और इवन ह्यूमन बींग्स की भी। फ्लड की बात करें तो क्या होता है, होमलेस हो जाते हैं मैनी प्लांट एंड सॉरी प्लानी मैनी एनिमल्स मैनी ऑर्गेनिज्म जो होमलेस हो जाते हैं, तो उनमें भी क्या होता है, फ्री उत्पन्न हो जाते हैं। अगर हम बात करें ड्राउट की तो क्या होगा, जब प्लांट्स को, जब एनिमल्स को उनका फूड नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे ही एनिमल एंड प्लांट जितना भी हम बोल सकते हैं वो क्या है, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, इंटरडिपेंडेंसीज उनका है कि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं हम सब की। तो वो नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, फूड का एक फ्रीट उत्पन्न करता है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो लीड करेगा, उसको लीड।